जहाँ स्टे किया हुआ था वहाँ से बैग उठा के और निधिवन और रंगनाथ टेम्पल के दर्शन करके अपन निकल चुके हैं। अब एक भैया हैं जान पहचान की, वो छोड़ देंगे अपन को इस्कॉन टेम्पल या फिर पहले वहाँ पे जाएंगे वो प्रेम मंदिर कि कहीं जाएंगे। तो चलते हैं, चलिए क्या होता है आगे देखते हैं। वीआईपी गेट पार्किंग है, पार्क में आ गई। अच्छा, मतलब पीछे पड़े हो इस्कॉन मंदिर के पीछे, मतलब अच्छा परिक्रमा मार्ग में इस्कॉन मंदिर के पीछे की साइड। जो ये टैक्सी वाले भैया हैं ये हम लोगों को समझा रहे थे कि कहाँ पे उतरना है, क्योंकि इनकी टैक्सी वहाँ तक नहीं जा पाएगी मंदिर तक। तो इनने अपन को बता दिया है मैं कहाँ छोड़ूंगा और उसके बाद कहाँ जाना है। तो चलते हैं अपन। इस्कॉन टेम्पल यहाँ छोड़ दिया है भैया ने, इसके यहाँ अपन ने स्टे किया था। तो इससे आगे नहीं जाती है टैक्सी, तो अपन को यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अपन पैदल। रास्ते में चलते चलते हम लोगों को मिले कान्हा जी के विदेशी भक्त। तो देखते हैं इनको क्या करता है। कौन अपन और लेते हैं अब एंट्री अंदर मंदिर में। बड़ा ही बाहर से तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस तरीके से वो वहाँ फॉरेनर प्ले कर रहे थे, चेंट कर रहे थे कृष्ण जी के लिए। तो देख के बड़ी खुशी हुई। और अब अंदर देखते हैं अंदर क्या है। तो अब देखते हैं स्लीपर और शू कहाँ पे उतार लूं। गेट पे और ये लगेज भी रखना है अपना बैग, वो कहाँ पे रखें ये बाहर ही। और अब चलते हैं अंदर, चलिए। अभी आ चुके हैं हम लोग इस्कॉन टेम्पल के अंदर। तो चलते हैं दर्शन करते हैं और जल्दी भी चलना है अपन को, थोड़ा प्रेम मंदिर भी चलना है और आज ही ट्रेन है। तो चलते हैं अपन, निकलते हैं। ये रही मैन मूर्ति इस्कॉन टेम्पल की और यहाँ के दर्शन अपन ऊपर से ही कर रहे हैं। और एक जगह और है तो वहाँ भी चलेंगे इस्कॉन टेम्पल में और फिर सीधा निकल जाएंगे अपन प्रेम मंदिर के लिए। इस्कॉन टेम्पल भ्रमण मेरे जरिए आप भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे क्लिप बनाने में मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन डर भी उतना ही लग रहा है। दो तीन बार रोक चुके हैं यहाँ के कर्मचारी लोग, क्योंकि 1000 रुपये का फाइन है यहाँ पे वीडियो बनाने का, लेकिन अपन फिर भी नहीं मान रहे। वीडियो बनाने के चक्कर में आंधी निकल गए थे। और ये इस्कॉन टेंपल में आज भी प्रभु के प्रेम में पागल होते हुए भजन कर रहे हैं। काफी खूबसूरत दृश्य है, मनमोहक दृश्य, और बहुत सारे फॉरेनर भी हैं यहाँ पे जो चैंट कर रहे हैं। दर्शन करके निकल आए हैं अपन बाहर, भीड़ काफी थी यहाँ पे। और अब चलेंगे प्रेम मंदिर। यहाँ का कार्यक्रम हो चुका है अपना पूरा, और निकलते हैं अपनी स्लीपर उठा के, शूज उठा के भैया के, और बैग भी उठाना है अपना, और निकलते हैं सीधा प्रेम मंदिर। वहाँ चलेंगे, देखते हैं क्या व्यवस्था है वहाँ की, और खाना खा के सीधा निकल जाऊंगा मथुरा, क्योंकि आज रात में ट्रेन है अपनी, कल है प्रैक्टिकल। निकलते हैं सीधा प्रेम मंदिर के लिए। अभी पहुंच चुके हैं अपन इसको प्रेम मंदिर। तो अब घूमेंगे यहाँ पे, इस्कॉन टेंपल हुआ आए हैं, चलते हैं देखते हैं कहाँ से है एंट्री। लेट्स गो। ये प्रेम मंदिर, और देखिए कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, जनसेना हो रही है यहाँ। हम चलेंगे अंदर, देखते हैं कहाँ से है प्रवेश मार्ग। बैग नहीं ले जाने दे रहे प्रेम मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर भी कोई व्यवस्था नहीं है बैग और स्लीपर वगैरह रखने की। तो यहाँ एक लॉक काउंटर है जहाँ पे अपन अपने बैग रखते हैं, और चलते हैं सीधा अंदर मंदिर की। मिलता हूँ थोड़ी देर में अंदर। तो ट्राईपॉड लाना भी मना है, लेकिन दुकाते हुए ले आए हैं अपन लोग मोबाइल और ट्राईपॉड दोनों अंदर। तो घूमते हैं और नज़ारा देखते हैं प्रेम मंदिर के अलौकिक दृश्य। जो पीछे आप देख रहे हैं ये कृष्ण जी की दास लीला बताई गई है यहाँ पे, जो जो कृष्ण जी ने लीला की है वो भी है, और उनके गाँव वासी हैं ये सब। तो काफ़ी सुंदर चित्र बनाया और चित्रकारी की गई है काफ़ी सुंदर। अंदर देखते हैं, अंदर जा पा रहे हैं दर्शन करने कि नहीं या फिर। और सुना है कि यहाँ पे लाइट शो भी होता है अभी थोड़ी देर में, जो चालू होने वाला है, तो अगर देख पाएंगे तो वो भी देखेंगे, और नहीं तो दर्शन करके सीधे निकल जाएंगे अपन स्टेशन, जो कि अपन की ट्रेन है। और काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये बैकग्राउंड है प्रेम मंदिर का। एक चीज़ और बची है देखने के लिए, जो कि है गोवर्धन पे झरने,
और वो देख के फिर निकलते हैं अपन बाहर और अपनी हो जाती है यही जर्नी खत्म। यहाँ पे होती है अपनी मथुरा वृंदावन की यात्रा ख़त्म और ये ब्लॉगिंग सीरीज भी ख़त्म होती है मथुरा वृंदावन की। तो मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ, नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। आगे कहीं घूमने जाऊँगा तो और भी ऐसी सीरीज बनाऊँगा। धन्यवाद आप सभी का, राम राम भाइयों, मिलता हूँ नए ब्लॉग में। थैंक यू आप सभी के सपोर्ट के लिए। और अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो देखते देखते तो शायद मैं सफल हो चुका हूँ अपनी, और आप ऐसा सपोर्ट बनाए रहें। और मिलते हैं आप लोगों से नए ट्रैवल ब्लॉग में। आपका सपोर्ट रहेगा तो और भी ट्रैवल ब्लॉग